व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्लीज, आज है हमारा डे टू इन मक्का और अभी बज रहे कोई सुबह के 8:30 या 9:15। हम लोग जा रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट बुफे के लिए। बहुत खैर हो गई यार, एक दिन में मतलब नींद पूरी नहीं होगी सही से। और एज यू ऑल नो कि भाई हमारे रूम से जो व्यू आता है सुबह सुबह का, ओए होए होए। ये धूप मुझे इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि भाई रूम का जो हमारा टेम्परेचर है ना, वो एसी बड़ा खतरनाक है। वो एसी इतना तेज चल रहा है ना कि भाई ये ऐसा मेरे लिए काम कर रहा है कि खतरनाक वाला हीट। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी, सो यू नो ना, दुश्मन ऑफ माय नींद। जब भी मैं अपना ये देख रहा हूँ भाई, थोड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, फिर नाश्ता खत्म हो जाएगा, फिर बोलोगे बुफे खत्म हो गया आपकी वजह से, ये हो गया वो हो गया। मैं एक तो जल्दी खड़ा हुआ तैयार होके। अच्छा आ जाओ, चले नाश्ता करने चले। एक रशियन लड़की ने इनको जो है ना ये तस्वीर पकड़ा दी थी, तो खुश हो गए कि मैं बहुत हसीन लग रहा था। जैसे यहाँ पे हमने लिफ्ट बुला ली और लिफ्ट आ रही है, बस हम जाएंगे बुफे करेंगे। ये आवाज अभी भी ठीक नहीं हुई है। हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने बाहर और अब हम बस जा रहे हैं बुफे। और ये फ्री हो रही है गंजी चुड़ैल, ठीक है, इनको मैं फ्री करा नहीं रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं शोर तो बहुत है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं हर जगह पहाड़ है, ये पहाड़। हमारा होटल भी पहाड़ काट के बनाया, ये है वो पहाड़। और ये मुझसे अपनी वीडियो बनवा रही थी, एक बैग इसने अपना यहाँ लटका दिया, मेरा अपना बैग यहाँ पे। अभी हम लोग अभी रूम में वापस आ गए। हम लोग वहाँ गए थे तो बुफे मतलब बाई दी एंड हो रहा था, जाहिर है एंड हो गया था तो फिर फायदा ही नहीं था। अभी खैर है, चलते हम कुछ बाहर अच्छा खाते हैं। मे भी आज हमारा रूम भी चेंज होगा ना, तो शायद इसी में होंगे। हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई नाश्ते का क्या अच्छा और कहाँ से मिलता है। और चश्मे की तारीफ आप लोग कमेंट्स में कर सकते हो भाई, मुश्किल नहीं है। होए होए भाई, इनका भी चश्मा है, मुश्किल नहीं है। मैंने नया वर्ड सीखा यहाँ पे बंगालियों से, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, नहीं नहीं मसला नहीं है, तो वो बोलते हैं मुश्किल नहीं है। अल्लाह अल्लाह करके एक रेस्टोरेंट मिला क्योंकि भाई सारे फुल थे और भरे हुए थे और इतना कुछ वहाँ पे मेन्यू भी नहीं था। अब यहाँ पे हमने ऑर्डर किया नगेट्स और जिंगर। यहाँ का लोकल फास्ट फूड भी तो ट्राई करे ना भाई, यहाँ से लेके मैंने तो सोचा है कि भाई यहाँ पे बैठ के खाने की जगह सही वाली नहीं है, यहाँ से लेते हैं और होटल चलते हैं, वहीं पे खाएंगे, फिर उसके बाद आगे हम मक्का जाएंगे। फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है भाई, आ जाओ हम लोग होटल चल के खाएंगे, आ जाओ जल्दी आ जाओ। अब जो हमें लेने हैं वो लेना है ड्रिंक्स और पानी। पानी वहाँ पे भाई वो बोल रहे 11 रियाल और यहाँ पे मिल रहा है 1 रियाल का, मतलब 10 रियाल महंगा है होटल में। कहीं कहीं बहुत महंगा है, कहीं कहीं बहुत सस्ता है। पानी वगैरह लेते हैं फिर टैक्सी भी करते हैं। सबसे मजे की जो चीज लगती है ना मुझे यहाँ पैसों का लेन देन भाई, इतना मतलब सिक्कों में 1 रुपए की चीज खरीदो 2 रुपए की चीज खरीदो, ऐसा बचपन याद आ जाता है यार। और कोई टैक्सी नहीं मिल रही, बहुत महंगी महंगी 10-10 रियाल मांग रहे हैं। फ्री भी जाना है, जब पैदल आ गए तो मैं सोचो पैदल चल भी लेते, लेकिन नहीं, 2-3 रियाल की कोई टैक्सी कराते हैं, हम भी हैं पाकिस्तानी, थोड़ा सा देखते हैं। फाइनली ओनली इन 3 लाइक दिस 1 2 3। अब बैठ के हम करेंगे भाई अपना नाश्ता। उसने पता है नगेट्स के साथ वो एक ब्रेड भी दिया, बोला ये ट्राई करना। चलो भाई आ जाओ देखते हैं अब इसमें है क्या क्या भाई। सबसे पहले तो ये खोल के देखते हैं, ये मुझे लग रहे नगेट्स होंगे या तो बर्गर होगा क्योंकि हमने ऑर्डर ही दो चीजें की। ओए होए होए, ये वाली है साथ, चाय बनाओगे नगेट्स के साथ के लिए दिए, तो चाय के साथ खाओगे, बहुत बढ़िया भाई। ये लो यार, मैंने भी नगेट्स खाने हैं यार, प्लीज। तो सॉसेस भी अच्छी सी, अलबैक वाली सॉस ले गया हूँ तुम्हारे लिए, कल अफसा ने मेरे उसमें रख दी थी, वाले में होगी भाई। हाँ ये रही अलबैक सॉस, लोकल नगेट्स विद अलबैक सॉस। और अच्छा है ब्रोस्ट अलबैत, और ये प्राइस में भी वही है जो अलबैत। अच्छा। है हमारे होटल के पास नहीं है ना ब्रोस्ट अलबैत। ओके चलो भाई बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, क्या पता हम अलबैक सॉस ट्राई कर रहे हैं, इनकी अपनी सॉस ज्यादा अच्छी हो, हम सब ट्राई करेंगे भाई। खाना खाते हैं, खाने के बाद मिलते हैं। तो भाई साहब खाना वाना खा के रेडी हो गए भाई, आपके भाई ने आज पहना है जुब्बा और ये मैंने साथ बैग कैरी किया है। हमने उमरा करना है लेकिन अभी नहीं करना है, मैंने सोचा है कि यार अभी तो बहुत धूप हो रही है और मैं सोचा कि फजर के बाद करूं कि क्या पता हमें मौका मिल जाए खाने खाबा को हाथ लगाने का, चूमने का। भाई फजर के वक्त ही हम इंशाल्लाह उमरा करेंगे परफॉर्म, लेकिन अभी ये है कि अभी हम जा रहे हैं जोहर की नमाज पढ़ने। जोहर की नमाज पढ़ेंगे, वहाँ थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे वहाँ के जो मॉल्स वगैरह वहाँ पे थोड़ा सा, फिर असर की नमाज पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह वापस। और भाई ये हमारा वो कॉर्नर है जहाँ पे हम लोग रोज अपना आउटफिट चेक कराएंगे भाई, तो ये आपका भाई फुल थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। अब ये वाला बैग भी भाई लाजमी कैरी करना पड़ता है क्योंकि इसमें मोबाइल और सारी यहाँ पे होटल की कीज और पैसे और वॉलेट और सारी चीजें भाई। मेरा वापस आने का दिल नहीं चाह रहा, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले ना कि यहीं पे रह जाओ तो मैं तो रह जाऊंगा। ये तो देखो इधर आओ, अभी भी से माशाल्लाह इन कमेंट्स। ओके वी आर गेटिंग लेट सो वी हैव टू मूव राइट नाउ। ओके गो बाय बाय। चलो भाई, बार बार ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई मेरे सर पे बाल है। अब मैं बार बार वेट कर रहा हूँ, अभी मैं नहा के निकला पेट में, नो टैक्सी,
मैं वेट में बैठा हुआ हूँ कि भाई अब बाल सूखे मेरे, अब बाल सूखे। मुझे एकदम से याद आया कि भाई मेरे तो बाल ही नहीं है। शटल सर्विस बहुत सारी है, एक घंटे बाद थोड़ी जाएगी अगली, कोई सराब गुट पे थोड़ी है हम। चलो भाई चले। हर 5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद निकलती रहती है बसेस। तो देखो लाइन से लगी हुई, एक जाएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी जाएगी, सब होता रहेगा, टेंशन नहीं लो तुम। अभी हम जा रहे हैं खाने का बाबा, वहाँ पे नमाज अदा करनी है हमने जोहर की, और फिर उसके बाद देखते हैं आगे का क्या सीन है। बैठो बैठो। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और आज मैंने ये सोचा है कि भाई आज हम बाजरा लाजमी लाजमी डालेंगे। भाई कल तो हम लोग उम्रे की वजह से हमने बोला सारा फोकस हम उम्रे पे ही रखे, लेकिन आज हम बाजरा इंशाल्लाह लाजमी डालेंगे। यहाँ पे जो सारे कबूतर होते हैं इनको डालते हैं बाजरा, और बाजरे की थैली यहाँ पर आएगी कोई 5 रियाल की मिलती है। भाई यहाँ पे बाजरा, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, हाउ मच? 5 रियाल। 5 रियाल, थैंक यू। आधा बाजरा आप डालना भाई, आधा मैं। बाजरा भाई मैं अपने फैंस के नाम का डाल लूँ भाई, जो जो इस ब्लॉग को देख रहा है उसके नाम का मैं यहाँ पे बाजरा डाल दूँ। हमने बाजरा तो डाल दिया, लेकिन अब हम चलते हैं सीधा काबे की तरफ और जोहर की नमाज पढ़ लेते हैं। तो जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। अभी लग रहा है रश कम है, लेकिन भाई आगे चल के पता चलेगा कि आज रश है कि नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हाँ पे इस वक्त चल रही है उम्रे की टाइमिंग, तो बगैर आराम वालों को भी जाने नहीं दे रहे। मैं तो बोल रहा था आराम पहन के आता यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब इंशाल्लाह फजर में आएंगे। अंदर जाने नहीं दे रहे क्योंकि जाहिर है सब बहुत सारे लोग हैं ना, अब आराम वाले जिनको उम्रा करना है वही लोग जाएं अंदर तो ज्यादा बेहतर है। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, उम्रा करने तो आएंगे ही ना सुबह, फिर आराम पहन के आ जाएंगे। अभी नमाज पढ़ लेते हैं, फिर एक काम करेंगे हम लोग, फजर में तो आएंगे ना वैसे भी आज, तो बस ठीक है अभी नमाज पढ़ के चलते हैं बस। हाँ ना मैं बोल रहा था ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी नमाज पढ़ लेते पहले। लेकिन आप रश देखिए कितना, आप इस टाइम उम्रा करते हैं, आप कैसे करते हैं देखें। मुझे मजा ही इस टाइम आता है, यकीन करो, रश में उम्रा करने का जो मजा है ना भाई, हाय हाय। चलो अभी नमाज पढ़े, बाकी बाद में देखते हैं भाई। अभी हम यहीं से चल के गए थे वही वाला रास्ता है, लेकिन भाई ऐसे ये लोग रस्सी लगा देते हैं और यहाँ पे ऐसे सफाई हो जाती है 2 मिनट में। अभी अफसर ने कोई लोकेशन लगाई है, इसने बोला है कि जबले उमर जाना है। हरम से बाहर निकल जाए तो 1 मिनट का रास्ता है, हरम से बाहर निकल के 1 मिनट का रास्ता है। सुबहानल्लाह उतर रहा हूँ सीढ़ियाँ, पैरों में इतना दर्द हो रहा है, ये तो मुझे पता ही नहीं था यार कि मेरे पैरों में दर्द भी हुआ है कल। कल मैंने बहुत तेजी से उम्रा किया है भाई, इसका हाथ पकड़ा और मैं बस सफा मरवा पे मैं बहुत भागा, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया। पैदल पैदल चलते हैं सीधा जबले उमर की तरफ। फाइनली हम लोग मॉल में पहुँच चुके हैं, और भाई साहब ये तो भाई काफी बड़ा मॉल है। सबसे पहले किधर जाना है? यहाँ जा रहे हैं, फिजा ने कोई फरमाइश की है शायद इससे, तो वो देखने जा रहे हैं कि अगर वो मिल जाए वो तो खुशी हो जाएगी भाई। मेरे काम की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी वी आर गोइंग। लेकिन अफसोस भाई, जो फिजा को चाहिए था वो फिजा बेटा यहाँ पे है ही नहीं, वो आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ है। जब जब एक चीज है ही नहीं तो कहाँ ढूंढ रही हूँ, कहीं और क्या पता मिल जाए। आ जाओ, कहाँ जाना है भाई? हमारे सफोरा पे वो है ही नहीं, अब हम दूसरे सफोरा जाएंगे। वो कहाँ पे है दूसरा सफोरा? वो जबल उमर मॉल में। तो ये कौन सा मॉल ले आएंगे? ये तो उसका क्लॉक टावर का मॉल है। अच्छा अच्छा अच्छा, जबले उमर है, इसके आगे जाएंगे दार तौहीद, शायद बता रहा था वो, उसकी लैंग्वेज में समझ नहीं आया। उसकी बैक साइड पे है जबले उमर, पहले मतलब हम लोग सही जा रहे थे। मुझे था यहाँ पे सफोरा का, तो फिर मैंने बोला इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। चलो अभी चले। फाइनली हमें जबले उमर मिल चुका है, यहाँ पे भाई इनका सेफोरा ढूंढना है कि नहीं है। फाइनली हम लोग मॉल के अंदर एंटर हो चुके हैं, और बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद जाके ये मॉल मिला है हमें। ब्लॉग बना रहा था वो, देखो छोड़ के भी भाग गई। अब सही है बेटा, सही है, बस बात खत्म। ये भी बहुत तेज हो गई है भाई। चारी के साथ तो सीन हो गया। इसे इन्होंने पूछा वेयर इज सेफोरा, वो बोलती है क्लॉक टावर नॉट हियर, मतलब यहाँ पे सेफोरा है ही नहीं, वो एक ही था। चलो मेरा मुन्ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बंदर आ गए हैं, ये कह रहा है बाहर मेन रोड से सीधा जाके। क्या सेफोरा के चक्कर में ना भाई, मैं तो टूट गया मैं तो टूट गया। ऊपर चलते थोड़ा सा मॉल शॉल विजिट करते, फिर उसके बाद मिलते हैं भाई। पूरा मॉल घूमने के बाद हमने अपने लिए सिर्फ ये लिया, और हम रात में बैठ के ये खाएंगे। असर की नमाज का टाइम भी हो रहा है, काम करते हैं, बैग खरीदते हैं और नमाज पढ़ के सीधा चलते हैं घर। अब ये जा रहे हैं हम टॉप फ्लोर पे, मतलब फोर्थ फ्लोर पे। अब यहाँ पे सारे के सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे भाई हमें, लेकिन आई थिंक नमाज का टाइम हो गया तो ये बंद हो गए हैं, सब बंद हो गया भाई। अलबैग कहीं ना कहीं था, चलता है खाना है, क्यों? क्योंकि आज हमारा मिशन है ट्रायंगल बैग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। लिफ्ट कॉल करो, आप वाली एलिवेटर से नहीं जाएंगे भाई। अजान हो रही है, अजान। Allahu Akbar.
मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने आगे, और हफ्सा यहाँ लेडीज में पढ़ रही है, तो चलते हैं हम आगे नमाज पढ़ते हैं। सर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस तरह अजान हो रही थी इसमें बड़ा कोई काफिला चलता हुआ जा रहा था ना हरम की तरफ, लेकिन करो देख के खुशी हुई भाई, अब हम भी नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ ली है सर की, और मैं हफ्सा को ढूंढना थोड़ा सा ये मुश्किल है कि ये है किधर। आ जाओ, इतना मज़ा आया ना नमाज़ पढ़ने में। बहुत भाई, मैंने पहली बार जिंदगी में जो है ना जमात में नमाज़ पढ़ी है। हाँ हाँ, पहली बार। जब यार जब नमाज पढ़ देते ना पिन ड्रॉप साइलेंस। अच्छी बात ना होती है ब्लॉग में, सारे लोग एक मतलब एक तरफ होकर चलना शुरू हो गए अजान की तरफ, कि मतलब जैसे वो होता है ना अजान का मतलब ये कि अल्लाह ताला आपको पुकार रहा है, सब ऐसे ही चलना शुरू हो गए कि जैसे मतलब बिल्कुल ना उसकी तरफ जाना शुरू हो गए, कि जैसे आप मतलब अल्लाह ताला की तरफ जाना शुरू हो गए। तो मुझे इतना अच्छी लगी चीज़। एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी भाई, वो इतनी खामोशी हो रही थी, फिर उसके बाद ये कि मतलब बिल्कुल एक बंदे की भी आवाज नहीं थी, सिर्फ उनकी आवाज गूंज रही थी बस दूर दूर तक। चल के अलबैग लेते हैं और फिर घर चलते हैं। तो भाई अब चलते हैं अलबैग लेने। पहुंच गए भाई हम अलबैग, वाह 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 वाह। लेडीज और जेंट्स की तो अलग अलग लाइन है, काम करो तुम अपने हिसाब से ऑर्डर कर लो। ये लो पैसे, तो लो 100 का नहीं आएगा, सस्ता है। 50 में भी ऐसा है कि आप जी भर के खा लोगे। ये कहते हैं 50 रख लो, वैसे 50 का आएगा नहीं मेरे लिए, सिर्फ कुछ भी ले लेना छोटा मोटा। असल चीज तो मैंने देखी है भाई, पाइनएप्पल जूस, मैं वो पीऊंगा। ये रहे भाई पाइनएप्पल, लाइव पाइनएप्पल भाई, इसमें तो घाटे माटे होते हैं। आपके भाई ने फ्रेश पाइनएप्पल जूस का ऑर्डर दे दिया है, आप सबको पता होगा कि भाई आपके भाई को जूसेस मिल्क शेक बहुत पसंद है। यहाँ पे तो वैरायटी देख सकते हो आप फ्रूट की, अनार, मैंगो, ग्रेप्स, ईच एंड एवरीथिंग भाई, ईच एंड एवरीथिंग। मैंने ऑर्डर किया पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल आता है बैग के साथ, हम पाइनएप्पल जूस एंजॉय करेंगे। सो भाई ये आ चुका है आपके भाई का फ्रेश फ्रेश पाइनएप्पल जूस, इसको शॉपर में करा लेते हैं जब तक अलबैग आ रहा है। बिस्मिल्लाह। अरे भाई चल के देखे तो बेगम को अलबैग तैयार हुआ कि नहीं हुआ, ये तो अभी भी लाइन में लगी हुई है। भाई फाइनली आधे घंटे बाद, भाई मेरी बीवी तुमने बहुत नेक काम किया है, आज चलो बस यहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं है, टैक्सी कराते घर चलते हैं, वहाँ चल के खाएंगे सुकून से। अभी खाएं भी तो सुकून से ना भाई, हवड़ा तबड़ी में यहाँ जगह ही ना हो पता चले। सही बात। चलो जी हम चलते सीधा घर, टैक्सी कराते हैं फिर अलबैग ट्राई करते हैं। क्या बच गए पैसे? बहुत सारे बचाए तुमने। हाँ मुझे भाई मिले थे, एक वो बता रहे थे कि अलबैग बहुत सस्ता है बनिस्बत केएफसी वगैरह के, और केएफसी यहाँ का फीका है, सारी बेकार है, मतलब हम बॉयकॉट तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ टेस्ट वाइज। जल्दी से नीचे चल के टैक्सी कराते हैं भाई, क्योंकि मैं वेट नहीं करने वाला मजीद, क्योंकि अलबैग मैंने खाना है। तो भाई आज हमने पैसे जाया नहीं किए, हमने 20-25 मिनट की वॉक की, वो भी बेचारे अलबैग के साथ। वो ये कि भाई हम फ्री में शटल सर्विस में अपने होटल जाएंगे, जल्दी आ जाओ। फाइनली होटल पहुंच चुके हैं, तो भाई अब टाइम है ट्राई करने का अलबैग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अफसर ने तो शायद खा लिया था लेकिन भाई मैंने नहीं खाया अभी तक। चलो जी अलबैग बाबा आ जाओ, अब हम ट्राई करेंगे भाई फाइनली अलबैग। तो भाई हमारे पास अलबैग आ गया, अफसर के पास है बर्गर। भाई वो मेरा बर्गर नहीं खोलो, हम नगेट्स ट्राई करते हैं। सही है, बोला तुमने? कहा बोला? तुमने बोला क्या? किस खुशी में? गंजे होने मेरे गंजे होने की खुशी में। बिस्मिल्लाह। वाह वाह, सॉस तो आगे ट्राई करते हैं, अब शाम में बैठ के खाएंगे। बहुत मजा आ गया कसम से। तो भी उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो ड्रेस तरह प्यार दिखा दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें प्यार दीजिएगा। ढेर सारा ख्याल रखना भाई, अल्लाह हाफिज़।